हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित। तो फिर आज मैं नए ब्लॉग के साथ आप सबके बीच में आ गया हूं। तो आज मैं आपको जहां पर लेके जाने वाला हूं वो है हाजी अली दरगाह, मुंबई में है। और अभी मैं यहां पे जाने वाला हूं सीएसटी से। तो यहां से जो बस जाती है यहां के लिए वो जाती है 124 यानी 124 नंबर बस जाती है। और आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। और यहां से अप्रोक्स ये 7 किलोमीटर के अराउंड है। तो वहां पे पहुंचते ही आपको यहां पे एक सबवे दिखेगा। सबवे क्रॉस करते ही यहां से आगे मार्केट स्टार्ट हो जाती है हाजी अली की दरगाह के लिए। पैदल रोड है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट दिखेगी। वहाँ पे काफ़ी यानी वहाँ जाने के लिए जैसे फूल वगैरह या चादर वगैरह कुछ भी वहाँ से ले सकते हो। वो आपकी शर्त है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको कुछ लेकर ही जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और बाकी या मार्केट देख ही सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से आपका अप्रोक्स 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको हाजी अली दरगाह तक पहुँचने के लिए। जैसे यह मार्केट क्रॉस करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे पानी कम है समुंदर में, अदरवाइज़ यहाँ पे पानी काफ़ी रहता है। और जो ये बीच में पतला सा सेतु बना है हाजी अली दरगाह तक पहुँचने के लिए, यहाँ भी पानी भराता है तब वहाँ पर जाना मना होता है। बट परंतु इस दरगाह की एक खासियत है कि जितना भी समुंदर में पानी आ जाए परंतु इस दरगाह के अंदर पानी की एक बूंद तक भी नहीं जाती है। और ना ही इस दरगाह को आज दिन तक समुंदर के पानी से कोई नुकसान हो पाया है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस दरगाह के बारे में। और इस दरगाह की स्थापना सन 1631 ईस्वी में की गई थी। और इसका निर्माण हाजी उस्मान रंजीकर, जो तीर्थयात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज़ के मालिक थे, उन्होंने करवाया था। बताया जाता है कि हाजी अली बहुत धनी थे, जिन्होंने मक्का तीर्थयात्रा से पहले सारा धन त्याग दिया था और मक्का यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उन्हें दफनाया ना जाए, समुंदर में डाल दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन चुका देने वाली बात यह थी, उनका ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई की उसी जगह पर आकर रुका जहां वह रहा करते थे। इसके पश्चात उनके अनुयायियों ने इसी जगह पर हाजी अली दरगाह का निर्माण कराया। और चुका देने वाली बात तो यह है कि 1631 से अब तक कोई भी तूफान की लहर इस दरगाह का बाल तक भी वाका नहीं कर पाई है। और इस दरगाह की खास बात यह भी है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के इंसानों के लिए दरगाह खुली है। और यहाँ पर सभी आते हैं और आप अंदर आते ही अपने चप्पल जूते वगैरह यहाँ कहीं भी खोल सकते हो साइड में, वरना यहाँ पे आगे शेड भी बना हुआ है, वहाँ भी आप खोल सकते हो और दरगाह में जाकर माथा टेक सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रश होता है और 12 महीने ऐसा ही रहता है यहाँ पे रश। आप सुबह आओगे, दोपहर को आओगे या शाम को आओगे, यहाँ पे दिन में हज़ारों लाखों की तादाद में दुनिया आती है। और ये है पियाजी अली की दरगाह। तो और ये भी माना जाता है कि जो भी यहाँ पे जिस भी मन से मुराद से आता है वो उसकी पूरी होती है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको हाजी अली दरगाह दिखा भी दी और इसके बारे में बता भी दिया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप यहाँ मुंबई आएँ तो इस दरगाह में भी ज़रूर जाएं। और मैं शाम के टाइम गया था बिकॉज उस टाइम यहाँ का नज़ारा अद्भुत और ख़ूबसूरत होता है, आप देख ही सकते हो। तो व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।